गुरुवार को देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम दिखाई दी। बंगाल में भी सभी लोग गणपति बापा उत्सव के रंग में रंगे नजर आए। सभी जगहों पर गणेश महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी बीच लाइव कोलकाता की टीम कोलकाता के प्रसिद्ध मंदिर पोस्ता गणेश पहुंची। आपको बताते चले कि पोस्ता गणेश मंदिर 100 वर्षों से भी पुरानी मंदिर है। देश के हर कोने कोने से भक्त यहाँ बापा के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। पोस्ता गणेश मंदिर में सुबह से गणेश मंदिर के श्रृंगार से लेकर उनकी पूजा अर्चना व महाआरती बड़े ही भव्य रूप से की गई। इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही उमड़ी। सभी भक्त बापा के दर्शन के लिए घंटों तक कतारों में खड़े नजर आए, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन की कोई भी लकीर दिखाई नहीं दी, क्योंकि बापा के दर्शन करना ही भक्तों के लिए सौभाग्य की बात है। इस मौके पर लाइव कोलकाता की टीम ने भक्तों से भी बातचीत की। सभी भक्तों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। सभी का एक ही कहना था कि वे सालों से इस मंदिर में आते हैं, वह बाबा की महिमा अपरंपार है, वे इनके दरबार में आए सभी भक्तों की मुरादें जरूर पूरी करते हैं। वहीं इस मौके पर गणेश जी की दर्शन के लिए सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, महिला व शिशु कल्याण मंत्री शशि पांजा, दिनेश बजाज सहित कई नेतागण व विशेष व्यक्तिगण मौजूद थे। शशि पांजा व सुदीप बंदोपाध्याय ने गणेश महोत्सव को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। अगले 5 साल में भी एकदम आसपास तो ये पूजा दिखा देते हैं कि लोग कितना प्रसन्न है, कितना खुशी में दिन गुजारते हैं। जब पूजा आते हैं उत्सव में लोग शामिल होते हैं तो ये दावा है कि उनका हृदय में बहुत खुशी का अनुभूति हुआ। मैं मुख्यमंत्री को भी आज बताया सकता हूँ कि कोलकाता का लोग कितना जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। बापा की आरती की तस्वीर भी लाइव कोलकाता की टीम ने अपने कैमरे में कैद की। क्या
खास तौर से इस समय गणेश चतुर्थी के समय ये 9 दिन का जो उत्सव है और गणेश जी की इतनी आदि पूजा होती है, ये सामाजिक मैंने सबको नहीं सार्वजनिक गणेश पूजा है। और इसके बाद गणेश जी वापस चले जाएंगे जब कैलाश पर्वत दोबारा माँ के साथ देवी के साथ सब परिवार भाई बहनों से खिलाओ मत ये अच्छा महसूस होता है। गणेश मंदिर का जो है ये माहौल ही अलग है, ये माहौल ही ऐसा है कि लोगों की इस मंदिर को लेकर बड़ी ही आस्था है। सभी भक्तों का कहना है कि इस मंदिर में जो भी भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं बापा उनकी प्रार्थना जरूर पूरी करते हैं। इसी बीच मंदिर के मुख्य पुजारी जयप्रकाश त्रिपाठी से भी लाइव कोलकाता की टीम ने बातचीत की। उन्होंने मंदिर को लेकर अपनी राय दी। मूर्ति है ये बहुत पहले की साधु संत और उसके बाद यहाँ पर 3-4 पीढ़ी से हम लोग यहाँ सेवा करते हैं और गणेश चतुर्थी हर वर्ष दिनों दिन भक्तों का भीड़ बढ़ती जा रही आस्था है यहाँ लोगों की। और कल शाम 4 बजे से ही चौक लगा लेकिन फिर भी 4 बजे शेष होने के बाद भी भक्तों का भी खाता लगा और यहाँ आने वाले लोगों का मनोकामना पूर्ण जरूर होता है। गणेश चतुर्थी की पूजा बहुत ही प्रसिद्ध है और स्तुति के साथ यहाँ पर जो है संपन्न हो रही है। सुबह से जैसा कि आपने कहा हजारों की संख्या में जो है लोगों की भीड़ उमड़ रही है और पूजा जो आज है गणेश चतुर्थी की जो पूजा है उससे पहले क्या रीति होती है गणेश चतुर्थी में पहले मंगला आरती होती है।
उसके बाद दोपहर में भगवान को पंचामी का स्नान कराया जाता है। उसके बाद सुबह में महाआरती होती है 12 बजे, जो भगवान का उस समय जन्म है। उसके बाद भगवान का श्रृंगार उंगार होना श्रृंगार हो जाता है, और उसके बाद शाम को फिर एक संध्या आरती होता है जो श्रृंगार आरती है, और उसके बाद बस भगवान का सब कब हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे भक्तों का ताका लगा रहता है, लाइन चलती रहती है। सारा दिन सारा आदमी यहाँ पर दर्शनार्थी आते रहते हैं, सारा दिन यहाँ पे आए भी बहुत बच्चे हैं जो यहाँ पर सेवा में लगे रहते हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं। बस तो इनका कहना है कि यहाँ का आपका उन्होंने निकाला नहीं है, लेकिन कहते हैं हर रोज की तरह यहाँ पर आज के दिन जो है बहुत ज्यादा ही तादाद में भक्तों की उमड़ पड़ी है। एक बात हम दर्शन बताना चाहते हैं, हमारे दर्शन भी और हम और आप सभी चाहते हैं कि भगवान गणेश को भक्त बहुत पसंद है, इसके पीछे भी कुछ मान्यता है। मुझे पसंद है गणेश जी को, और मुझे के साथ में गुड़ भी पसंद है, मूंग भी पसंद है, गन्ना का रस भी पसंद है, ये सब गणेश जी का प्रिय चीज़ है। आज सबसे प्रिय चीज़ होता है उनका दुर्गा, गणेश जी को चढ़ाया जाता है। आज के दिन क्या क्या चीज़ चढ़ाया जाता है? आज जितना हरा चीज़ है गणेश जी, जैसे आपका मूंग हुआ, गन्ना का रस हुआ, लड्डू हुआ, मोदक हुआ, ये सब चढ़ाया जाता है गणेश जी को। 56 भोग लगता है, शाम को खीर पूरी लगी भोग लगता है। चलिए भगवान उनकी कामनाओं को पूरी करें, और हर वर्ष यहाँ आते रहें, और सब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि यहाँ के पुजारी जी हैं उन्होंने अच्छी बातें बताई, मंदिर की जो आवश्यकता है उसके बारे में हमें जाना। मेरी कैमरा सिस्टम इशू है, तो कहूँगी कि कैमरा एक बार जो है भगवान गणेश की तरफ घुमाए और दिखाए। घर बैठे जो हमारे लाइव कोलकाता के दर्शक हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान गणेश के घर बैठे दर्शन करें, और हम सब मिल करिए स्तुति करें कि हमारा देश का कल्याण हो, हमारे भक्त का कल्याण हो, हमारे लाइव कोलकाता के दर्शक Thank you.
बीजम फल चारु भगवन्म विनाशकम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पार्वतम। सभी के विघ्न मरने वाले हैं भगवान गणेश, और हम यही कामना करेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं उनके भी विघ्न आज गणेश चतुर्थी के दिन भगवान।